Afternoon guys, today we are going to study our chapter 3 demand. This chapter relates to microeconomics of class 11th based on NCERT and microeconomics by Sandeep Kar. So let us understand our first definition, which is demand. So demand refers to the quantity of a commodity which a consumer is willing to purchase at each possible price in given period of time. डिमांड वो कमोडिटी की क्वांटिटी होती है जो एक कंज्यूमर ख़रीदना चाहता है किस चीज़ पे, जो उसके पास पैसा है और जो कमोडिटी का प्राइस है वो जायज़ हो, मतलब कि उसमें नाजायज़ ना हो, और जिस टाइम वो चाह रहा है उसको ख़रीदना वो उसी टाइम मिल जाए। मान लीजिए मैं मार्केट में गया, मैंने कहा कि मेरे को एक किलो सेब दे दो, तो मैंने सेब की डिमांड की और उस मैंने सोचा कि सेब 70-80 के आएंगे। अब वो कह रहा है कि 500 रुपये किलो है, तो ये जायज़ रेट थोड़ी है। तो जायज़ रेट हो, ठीक है, और ये भी नहीं कि मैंने आज डिमांड की और वो मेरे को 5 दिन बाद दे रहा, ना, जिस टाइम वो डिमांड की जाए उसी टाइम वो सामान उसको मिल जाए, इसको हम बोलते हैं डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, एक व्यक्ति जब डिमांड करता है, रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच आ सिंगल कंज्यूमर, जब एक व्यक्ति जो सामान खरीदना चाह रहा है इज़ विलिंग टू परचेज एट ईच पॉसिबल प्राइस इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड, जहां एक व्यक्ति खरीदना चाह रहा है सामान को। मार्केट डिमांड, जितने भी लोग हैं, जितने भी सबने के द्वारा जो डिमांड की गई वो मार्केट डिमांड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 3 लोग हैं, एक आदमी ने कहा मेरे को 10 यूनिट चाहिए, एक ने कहा 15 चाहिए, एक ने कहा 20 चाहिए, तो 10 और 15 25 और 20 45, तो मार्केट डिमांड क्या हो गई, 45। D1 डिमांड 1 प्लस डिमांड 2 प्लस डिमांड 3, इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज, चाह रहे हैं खरीदना जायज़ रेट पे, और जिस टाइम वो लोग डिमांड कर रहे हैं उसी टाइम वो सामान उनको मिल जाए। अब किसी चीज़ की डिमांड चेंज कब होती है, मान लो आप बाज़ार में कुछ लेने गए तो वो चेंज कब होगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर आपकी कमाई घट गई या बढ़ गई तो आपकी डिमांड चेंज होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, और अगर आपको कोई चीज़ कम पसंद आ रही तो उसकी डिमांड कम करेंगे, उसको बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर कमोडिटी के रेट बढ़ गए तो आप उसकी डिमांड कम करेंगे, और अगर कमोडिटी के रेट घट गए तो आप उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। सीजन एंड वेदर, अब मान लो सर्दियाँ हैं, क्या आप उसमें गर्मियों के कपड़े खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, तो यानी सीज़न की वजह से डिमांड कम हो गई, और सीज़न की वजह से डिमांड बढ़ भी सकती है। सर्दियां हैं, सर्दियों में किस चीज़ की डिमांड करते हैं, जैकेट्स की, स्वेटर्स की, तो इन सब की डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड क्या होते हैं समझने की कोशिश कीजिए। रिलेटेड गुड के अंदर 2 गुड आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट गुड। पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड बता देता हूँ क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो सामान होते हैं, वो 2 सामान होते हैं जो एक साथ मिलके एक ज़रूरत को पूरा करें, जैसे कार और पेट्रोल। बिना कार के पेट्रोल भी बेकार है, बिना पेट्रोल के कार भी बेकार है, तो दोनों का एक साथ यूज़ होगा तो अब जब जाके आपकी ज़रूरत होगी पूरी। अब मान लो अगर प्राइस पेट्रोल का बढ़ जाए तो क्या होगा, आप पेट्रोल कम खरीदोगे और कार की डिमांड कम करोगे। अच्छा, ये तो था एक एग्जांपल। अब दूसरा समझिए, सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड वो सामान होता है जो एक के स्थान पे हम दूसरे को उपयोग कर सकते हैं। आप चाय लेने गए बाज़ार में, टी लेने गए, वो बहुत महंगी थी, आपने उसकी जगह कॉफ़ी ले ली, सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड आर दोज गुड विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इन फ्यूचर, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इस चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे, तो हम क्या करते हैं उस चीज़ की आज ही ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं, नेचुरल सी है। तो ये सब डिटर्मिनेंट हैं डिमांड के, जिस पे किसी भी चीज़ की डिमांड रिलाय करती है। खुद सोचिए इसको आराम से कि इनकम अगर बढ़ेगी क्या होगा, टेस्ट से, सीज़न, ये सब। अब मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, तो पहला इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, अगर कंज्यूमर्स की इनकम ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, कम होगी तो कम करेंगे। प्राइस ऑफ कमोडिटी वही सेम है, बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, घटेगा तो डिमांड ज़्यादा होगी।
टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर्स को वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, और कंज्यूमर को अगर वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो उसकी कम डिमांड करेंगे। रिलेटेड गुड भी सेम है, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया, सीजन एंड वेदर भी सेम है, एक्सपेक्टेशन भी सेम है। तो चेंज क्या है मार्केट डिमांड में? सातवां पॉइंट, साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि मार्केट डिमांड सबकी डिमांड का सम करके निकलता है ना, तो अगर पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा होगा तो मार्केट डिमांड भी ज़्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन का साइज कम होगा तो मार्केट डिमांड भी कम होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का लेवल क्या है डिस्ट्रीब्यूट होने का, अगर अमीर गरीब के बीच का भेदभाव ज़्यादा है, अंतर ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, और अगर अंतर कम है तो वो लोग इक्वली डिमांड करेंगे तो ज़्यादा डिमांड होगी। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट अभी हमने पढ़े, इनमें से अगर किसी एक में भी चेंज आता है तो डिमांड में कितना चेंज आएगा वो चीज़ हमें डिमांड फंक्शन दिखाता है। तो डिमांड डी एक्स, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, एफ फंक्शनल रिलेशनशिप को दिखा रहा है, पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, अगर चेंज हुआ तो जाहिर सी बात है ये भी चेंज होगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज हुए तो ये भी चेंज होगी, इनकम चेंज हुई कंज्यूमर की तो डिमांड चेंज करेगा, टेस्ट बदल गया तो वो डिमांड भी बदलेगा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे घटेंगे तो डिमांड भी इफेक्ट होगी। तो ये आप लिख लीजिएगा, ये सारे कोटेशंस हैं इन सब की। मार्केट डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट। यही सब जो हमने ये सब पढ़े हैं, और ये दो, तो ये इनके बीच की रिलेशनशिप को दिखाता है, ये सब यही लिखा हुआ है। पी ओ साइज ऑफ पॉपुलेशन, डी ओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस इन लाइफ, ये सब है मार्केट डिमांड फंक्शन। आइए देखते हैं डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल एक तरह का टेबल होता है, दिख रहा है हमको, जो ये दिखाता है कि अलग अलग रेट पे कंज्यूमर ने अलग अलग डिमांड की। जब रेट 10 रुपये था, डिमांड 10 कर रहा था वो यूनिट की, जब रेट बढ़ा तो उसने डिमांड कम करी, जब रेट और बढ़ा तो उसने डिमांड और कम करी, जब रेट और बढ़ा तो उसने और। तो इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट, येस इट इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट विच शोज, जो दिखाता है वेरियस क्वांटिटी डिमांड, अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की गई कंज्यूमर के द्वारा एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, अलग अलग प्राइस के लेवल पे। मार्केट डिमांड शेड्यूल ये भी टेबुलर स्टेटमेंट है, जो ये दिखाता है कि अलग अलग क्वांटिटीज़ डिमांड की गई अलग अलग कस्टमर के द्वारा अलग अलग रेट पे। क्योंकि देखो हमें पता है क्या होता है कि मार्केट डिमांड एक से ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड जो करते हैं उन सब का टोटल मार्केट डिमांड होता है। तो मान लो हर आदमी की क्षमताएं चीज़ों को लेने की अलग होती है। जब प्राइस 10 था, इस बच्चे का नाम हमने आफरीन लिखा है, तो वो 20 यूनिट की डिमांड कर रही थी, फिर जब 15 हुआ तो उसने इतने की, जब 20 हुआ इतने की, और इस तरह। अब ये है एक लड़की गजाला, तो इसने 10 पे इतने की, तो फरमान ने इतने की, तो जब हम मार्केट डिमांड निकाल लेंगे तो हम इन तीनों का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, 20 प्लस 10 30 प्लस 20 50, 10 प्लस 6 प्लस 5 21, 5 और 3 8 2 10, 4 और 1 5 और 1 6। तो मार्केट डिमांड इज़ द सम ऑफ डिमांड 1, डिमांड 2, डिमांड 3। मार्केट डिमांड शेड्यूल टेबुलर स्टेटमेंट है, जो ये दिखाता है अलग अलग कंज्यूमर्स ने अलग अलग क्वांटिटीज डिमांड की अलग अलग रेट पे। डिमांड कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब हम इस चीज़ को ग्राफ पे दिखाते हैं वो डिमांड कर्व हो जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व और डिमांड कर्व एक ही बात है। आइए देखते हैं, जब ओरिजिनल प्राइस ये था, ओरिजिनल क्वांटिटी ये थी, आपने प्राइस बढ़ाया, क्वांटिटी कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है बाज़ार में जब मुझे चीज़ महंगी मिलने लगेगी तो मैं कम खरीदूँगा, और जब चीज़ मुझे सस्ती मिलेगी तो मैं चीज़ को ज़्यादा खरीदूँगा। दिख रहा है डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मार्केट डिमांड कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, मार्केट डिमांड शेड्यूल का। देखें वो डी वन डी टू तीनों का हमने अलग अलग डिमांड लिख ली, बना लिए तीनों के डिमांड कर्व इन तीनों लोगों के, और मार्केट डिमांड इन तीनों का टोटल हो जाएगा। तो ये थोड़ा दूर से बनेगा क्योंकि ये बड़ा होगा ना, आया समझ में। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड ये इस चीज़ को दिखाता है इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के में।
देखिए याद रखिएगा, दो चीज़ होती है, एक होता है क्वांटिटी डिमांड, एक होता है डिमांड। डिमांड जब चेंज होती है, जब अदर फैक्टर्स, आइए मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाता हूँ, अदर फैक्टर्स जब ये सब किसको छोड़ के, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जब इसको छोड़ के और किसी में भी चेंज आए तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड, और जब प्राइस की वजह से कमोडिटी की डिमांड चेंज हो तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड, याद रखना। तो लॉ ऑफ डिमांड किसकी बात करता है, प्राइस की। तो जब प्राइस की वजह से चीज़ चेंज होगी तो हम क्या शब्द लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांड। 2015 के बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ चेंज इन डिमांड एंड व्हाट इज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो गाइज याद रखना, प्राइस की वजह से चेंज हो तो हम क्वांटिटी डिमांड लिखेंगे और अदर फैक्टर तो हम डिमांड लिखेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी घटी, प्राइस घटा, क्वांटिटी बढ़ी, इज इट क्लियर। और जो और फैक्टर है डिमांड के, यानी ये सब, बस प्राइस वाला छोड़ के, वो कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। आइए अब हम अपना यही देखिए, अगला अंतर यही आ गया हमारा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। जब प्राइस की वजह से चेंज हो, अदर फैक्टर कांस्टेंट, चेंज इन डिमांड। जब अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो और प्राइस कांस्टेंट, तो चेंज इन डिमांड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्वेश्चंस हैं कुछ डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड के, मैंने लिख रखे हैं और समझाए भी हैं आपको, आप भी करने की कोशिश कीजिएगा। डिमांड शेड्यूल क्या है वो भी हमने पढ़ लिया है, मार्केट डिमांड शेड्यूल भी हमने पढ़ लिया है, लॉ ऑफ डिमांड भी हमने पढ़ लिया है, डिमांड कर्व भी हमने पढ़ लिया कैसे बनता है, और मार्केट डिमांड कर्व भी कैसे बनता है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और डिमांड फंक्शन एक ही बात है, मार्केट डिमांड फंक्शन हमने पढ़ लिया है। अब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ये, और इसका दूसरा नाम क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी की बात आ गई ना, तो समझो प्राइस की वजह से कमोडिटी की डिमांड चेंज हो रही, अदर फैक्टर कांस्टेंट है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला हम पढ़ते हैं एक्सपेंशन। तो जब कमोडिटी के रेट गिर जाएं, उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, अदर फैक्टर कांस्टेंट, टेस्ट, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वो सब कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ कमोडिटी के प्राइस कम हुए, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। और इसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व तो कहते हैं, तो इसको हम डाउनवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं। देखिए ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी ये है, प्राइस घटा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ी, मूवमेंट कहाँ हुई, नीचे की तरफ हुई ना, इसलिए एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांड का दूसरा नाम क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट, क्योंकि नीचे मूवमेंट हुई। इज इट क्लियर गाइज। आइए अब हम अपने देखते हैं अगला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो जब कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड घट जाए, किस कारण, उसके रेट बढ़ने के कारण, अदर फैक्टर कांस्टेंट, तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फॉल ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। क्लियर गाइज। सो इसको अपवर्ड देखिए, ओरिजिनल प्राइस ये था, ओरिजिनल क्वांटिटी ये थी, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी घटी, अपवर्ड हुई ना मूवमेंट, इसलिए अपवर्ड। इसका कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांड का दूसरा नाम अपवर्ड। बोर्ड में किसी भी नाम से पूछ सकता है, तो आप दोनों नाम याद रखिएगा। अब मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व को हमने दोनों को एक साथ भी दिखा दिया, ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये हमारा एक्सपेंशन इन डिमांड। आइए पढ़ते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब कमोडिटी की डिमांड चेंज हो, अब मैं क्वांटिटी डिमांड नहीं लिखूंगा, चेंज हो, डिमांड खाली, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड प्राइस की बात। जब कमोडिटी की डिमांड चेंज हो, किसी भी फैक्टर में चेंज आने के कारण, सिर्फ प्राइस कांस्टेंट रहेगा और जो फैक्टर हैं डिमांड के, उनमें से चेंज आने के कारण डिमांड चेंज हो, तो हम उसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। आइए देखते हैं, ये मैंने दोनों एक पे ही दिखा रखे हैं, पहले आपको इंडिविजुअली समझा दूँ, फिर ये कर समझाता हूँ। इंक्रीज इन डिमांड। तो जब कमोडिटी की डिमांड बढ़े, कब, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़े, उसका टेस्ट बढ़े, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड क्या हो, बढ़ जाए, तो वो महंगे होंगे तो इसे ज़्यादा खरीदोगे, सीजन एंड वेदर, ये सब इन फैक्टरों के कारण डिमांड बढ़ गई, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस कमोडिटी का कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, याद रखना। कर्व देखो, प्राइस कांस्टेंट है मैंने बताया, और देखो डिमांड ये थी, क्वांटिटी कर रहा था पहले वो ये, अब ये कर रहा। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखिए पी ये है और क्यू मेरा ये है, प्राइस झुका तू रहेगा और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ी ना,
बढ़ी ना, इसको हम बोलते हैं प्राइस चेंज नहीं होगा अदर फैक्टर के कारण, जब डिमांड बढ़ जाए तो उसको इंक्रीज इन डिमांड, या फिर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ ना आगे की तरफ बढ़ाना, तो इसका दूसरा नाम है राइटवर्ड शिफ्ट। और डिक्रीज इन डिमांड, जब अदर फैक्टर के कारण डिमांड घट जाए, प्राइस चेंज ना हो, प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ भी, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है डिक्रीज इन डिमांड का। जैसे इनकम घट गई, टेस्ट घट गया, इसको हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये दोनों मैंने एक पे भी दिखा रखे हैं, आपको बता भी दिया राइटवर्ड कब होता है, लेफ्टवर्ड कब होता है। आइए सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड जो एक के स्थान पे दूसरे को उपयोग किया जा सकता है। आपको दिल्ली जाना है, आप ट्रेन से ना गए, बस से चले गए, तो ट्रेन का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, बस, सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी मैंने आपको बता दिया, वो सामान जो एक साथ, दो सामान एक साथ यूज हो एक जरूरत को पूरा करने के लिए, इसको हम जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं। नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड कौन से होते हैं, नॉर्मल गुड आर दोज गुड विच हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर इनकम एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। फ़ोन है, अगर आपकी कमाई बढ़ी आप ज़्यादा अच्छा फ़ोन लोगे, आपकी कमाई कम हुई तो आप थोड़ा हल्का फ़ोन लोगे। क्लोथ्स, पैसा ज़्यादा है आपके पास अच्छे कपड़े पहनोगे, पैसा कम है तो हल्के कपड़े पहनोगे। शूज़, पैसा है तो ब्रांड पहनोगे और अगर पैसा नहीं है तो लोकल पहनोगे, तो नॉर्मल गुड। इन्फीरियर गुड, इन्फीरियर गुड वो सामान होते हैं, जब आपकी कमाई बढ़ेगी तो आप इन सामान की डिमांड कम करोगे। जैसे इन्फीरियर गुड में क्या आ जाते हैं, बाजरा, जवार। अब आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाए, आप बाजरा जवार खाओगे ना, आप तो आशीर्वाद का आटा खाओगे। तो ये वो सामान होते हैं जिनकी जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने पे घटती है और इनकम घटने पे बढ़ती है। ये वो होते हैं जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने पे बढ़ती है, इनकम घटने पे घटती है। इन्फीरियर गुड को गिफिन गुड भी कहा जाता है, रिमेंबर दिस गाइज। कंपलसरी गुड वो सामान जिसके बिना काम नहीं चलेगा। अब दवाइयाँ हैं, चाहे रेट कितना भी हो भाई, खरीदनी पड़ेगी, ज़रूरत है, आ रहा समझ में। कंपलसरी गुड आर दोज गुड विच आर एसेंशियल, जो ज़रूरी हैं, किस लिए, फॉर ह्यूमन बींग के लिए, दे डज नॉट वेरी। अब आपकी कमाई चाहे ज़्यादा है चाहे कम है भाई, खरीदना तो पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा, तो उसको बोलते हैं कंपलसरी गुड, जो ज़रूरी है। अब हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, तो वही एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का आप इसमें कर्व बना देंगे। शिफ्ट इन डिमांड में आप इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, और इन दोनों के दूसरे नाम क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का। नॉर्मल गुड जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने पे बढ़े, इनकम घटने पे घटे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, वो दो सामान जो एक ज़रूरत को पूरा करते हैं। व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड, द गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। इन्फीरियर गुड्स विच डिमांड्स डिक्रीज ड्यू टू राइज इन इनकम, एंड विच डिमांड इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन इनकम। कंपल्सरी गुड्स आर असेंशियल गुड्स जिनके विच डू नॉट वेरी विद लेवल ऑफ इनकम। आपकी कमाई ज़्यादा है कम है आप खरीदेंगे। गिफ्ट इन गुड, इन्फीरियर गुड ही होते हैं। तो इस चैप्टर में तो इतना ही था गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आशा है कि आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, जो भी 12th क्लास के बोर्ड के स्टूडेंट हैं या इकोनॉमिक्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।